हाय दोस्तों, मैं विभा शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ इंस्टेंट ग्लो फेशियल। यहाँ पे मैं लूँगी शहद। मैंने यहाँ डाबर का शहद लिया हुआ है। आप लोग कोई भी प्योर शहद ले सकते हैं क्योंकि हम इसे फेस के लिए यूज़ करने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखें शहद प्योर ही होना चाहिए। एक चम्मच शहद। सेकेंड इन्ग्रीडियंट एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। आप फ्रेश एलोवेरा को काट के उसका जेल बना के भी ले सकते हैं। ये भी हमने एक चम्मच ही लिया हुआ है। इक्वल क्वांटिटी में ही हमें तीनों इंग्रेडिएंट लेने हैं। अब हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है नारियल तेल। मैंने यहाँ पैराशूट का नारियल तेल लिया हुआ है। आप भी कोई प्योर कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें। ध्यान रखें हम फेस के लिए फेस पैक बनाने जा रहे हैं, इसलिए प्योरेस्ट फॉर्म इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाए। इसे भी हमने एक चम्मच लिया है। अब हम इसे विस्क करेंगे। जी हाँ, फेट लेंगे। बहुत अच्छे से फेंटने के बाद एक प्योर क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। अच्छी तरीके से तीनों इंग्रेडिएंट मिल जाने चाहिए, एक क्रीमी फॉर्म आ जाना चाहिए, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए। अब हम पहले अपने चेहरे को क्लींजिंग मिल्क या कच्चे दूध से साफ कर लेंगे। फिर थोड़ा सा इस पेस्ट को जो अभी अभी हमने बनाया है इसे अपने हाथों पे लेके और जेंटली रब करेंगे, हल्का हल्का मसाज करेंगे। हार्ड बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल जेंटली। लगभग 10 मिनट हम मसाज कर चुके हैं। इसे अपने गले, ईयर लोब, चीक्स, नोज, सभी एरियाज पे अच्छी तरीके से फैलाएं। 10 मिनट मसाज करने के बाद अब हमें स्टीम लेना है। स्टीम के बाद आप चाहें तो डायरेक्ट ही इसे टॉवल से पोंछ कर साफ कर सकते हैं। टॉवल बहुत ही सॉफ्ट लेना है और रब भी बहुत जेंटली करना है, नहीं तो आपको रैशेज आ सकते हैं क्योंकि आपने अभी अभी स्टीम लिया हुआ है। और अगर आपके इसके बाद भी चिपचिपा महसूस होता है तो आप बिल्कुल हल्के ठंडे पानी से बिना किसी साबुन या सोप के चेहरा धो लें और अब इसे पोंछ लें। देखिए ये आया इंस्टेंट ग्लो। ये आप कभी भी कहीं भी पार्टी में जाने से पहले, करवा चौथ से पहले या किसी भी फेस्टिवल ओकेजन के लिए तैयार होने से पहले फटाफट 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और ये मेरा फाइनल लुक। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरा फेस पैक आपको कैसा लगा। और कोशिश करें हेल्दी खाएं, हेल्दी चीज़ें ही लगाएं, कॉस्मेटिक्स से बचें। थैंक यू, बाय बाय।